हाल चाल सब बढ़िया है, एकदम मस्ती में चल रही है, पठन पठन हो रही है ना। चलिए, तो पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करता अपने YouTube चैनल जेएल साइंस एमिशन या फिर केमिस्ट्री वाला एके मेहता, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 13 लेक्चर के साथ। आज इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गेन ऑफ फीमेल, फीमेल के स्त्री के बाह्य जनन अंग जो होते हैं वो क्या है। थोड़ी गंभीरता से इसको लेना, गंभीर भी है, एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गेन है, बिल्कुल ये साफ साफ स्ट्रक्चर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अतः इसको गंभीर से देखते रहना और जानना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है। यदि आप नहीं जानते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो फिर क्या जानते हैं, इसलिए ये पढ़ाना आवश्यक है। दूसरी बात बताएं कि ऑनलाइन है इसलिए आपको हम पढ़ा रहे हैं, यदि ऑफलाइन होती है तो ये सब टॉपिक को स्किप करके निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए, आज हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गेन, बाह्य जनन अंग, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गेन। इनसे पहले हम लोगों ने यूट्रस देखा और वजाइना देखे। वजाइना के जो ओपनिंग है, बाहरी भाग है, योनि का जो बाहरी एरिया है, उसको एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गेन के अंतर्गत रखा गया है। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गेन में कई ऑर्गेन्स एक साथ आते हैं, जिनको सम्मिलित रूप से बाल भी कहते हैं, जिसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, भालवा भी कहते हैं। स्पेलिंग देख लेते हैं, भालवा भी कहते हैं, VULVA, जिसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, भालवा भी कहते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गेन। तो इसके अंतर्गत एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गेन में हम लोग सहायक अंग भी देखेंगे, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो मेन पार्ट नहीं है, पर रिप्रोडक्शन में और रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के बाद आवश्यक है, जैसे कि ब्रेस्ट, अस्तन। तो अस्तन रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन का मेन ऑर्गेन नहीं है, पर उनके पार्ट अवश्य है। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गेन को सबसे पहले देखते हैं। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गेन देखने से पहले, यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएंगे और आई बटन में लिंक दे दी जाएगी, देखिए आ गए होंगे। ठीक, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके अध्ययन इसी तरह से चलते रहे। लेट्स स्टार्ट, पहले इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और स्ट्रक्चर हम यहां पर बनाते हैं, क्लियरली स्ट्रक्चर तो नहीं बन सकता है, पर क्लियरली स्ट्रक्चर वाली हम यहां पर कुछ देर के लिए फोटो लगा देंगे और उस फोटो को आप देख करके समझ जाइएगा कि क्या है। तो चलिए जैसे देखते हैं, इस तरह से ये बॉडी स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं कि बॉडी, ये बॉडी स्ट्रक्चर है, यहां पर जो होते हैं एक मार्ग होते हैं जिसको हम लोग एनल द्वार कहते हैं। जस्ट इसके ऊपर जो होते हैं एक ओपनिंग पाए जाते हैं, जस्ट इसके ऊपर एक ऐसे तरह की छोटी सी ओपनिंग होती है, यहां पर इस तरह से कुछ कंडीशन पाए जाते हैं। यहां पर आप स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाते हैं, चलिए
ये ऑर्गेन है, यहां पर जो है ये प्यूबिक रीजन है, यहां पर हेयर उगते हैं, ये सब जो होता है ये हेयरी पार्ट होता है। ये हेयरी पार्ट है, यहां पर इस रीजन में भी हेयर होते हैं। चलिए अब इसका नामकरण करना प्रारंभ करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको एनस कहते हैं, एनस। ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं इसको लेबिया मेजोरा कहते हैं, नाम भी जानते जाइए, लेबिया मेजोरा कहते हैं। ये इनर वाला जो वाल देख रहे हैं आप डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से, ये नन हेयरी होता है, इस पर बाल नहीं होते हैं, इसको लेबिया माइनोरा कहते हैं। लेबिया स्पेलिंग, लेबिया माइनोरा कहते हैं इसको, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा कहते हैं इसको, माइनोरा, लेबिया माइनोरा है। यहां पर एक कुछ मटर के दाने के जैसे आप देख रहे हैं, ये पहले ओपनिंग देख लीजिए, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, इसको यूरेथ्रा कहते हैं या ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा कहते हैं इसको, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। पिछले लेक्चर में एक लाइन गलत लिखे थे, उसको भी यहां पर आप सुधार करेंगे, उसको क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा या यूरेथ्रल मिट्स कहते हैं इसको, आगे लिख लेंगे। ये जो देख रहे हैं इसको, इसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। यहां पर जो ये ओपनिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये ओपनिंग, इसको वजाइना कहते हैं, ओपनिंग ऑफ वजाइना, ओपनिंग ऑफ वजाइना कहते हैं इसको। ये हेरी, यहां पर जो ये कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस, इसको पेरिनियम कहते हैं, पेरिनियम कहते हैं, स्पेस अराउंड लेबिया मेजोरा, पेरिनियम, एनई पेरिनियम, यूरेथ्रा, वेस्टिबुली, वेस्टिबुली, पिनोपस, तो इसको क्या कहते हैं, पेरिनियम कहते हैं। और ये वाला जो ये स्पेस दिख रहे हैं, ये वाल है, ये वाल, वाल, वाल को क्या कहते हैं, लेबिया माइनोरा कहते हैं, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, लिफ लाइक स्ट्रक्चर, लेबिया माइनोरा। और यहां पर जो इसको ये एरिया देख रहे हैं आप, ये स्पेस देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेस्टी, इतना साइड नहीं लिखा जाए, वेस्टी बुली, ये आप जगह देख रहे हैं, इसको कहते हैं वेस्टी बुली, ये वेस्टी बुली है, इसको प्यूबिक हेयर कहते हैं, प्यूबिक हेयर कहते हैं इसको। तो ये सारे चीज मिलकर के यहां पर जो एक मटर के दाने के जैसे दिखाई दे रहा है गांठ जंक्शन पर, इसको क्लाइटोरिस कहते हैं, क्लाइटोरिस, पेनिस में भी इसके चर्चा किए थे, क्लाइटोरिस कहते हैं इसको, ठीक। तो इससे ज्यादा स्ट्रक्चर इसमें नाम नहीं है, यदि एक आध छूट भी गए हो तो डिस्क्रिप्शन के दौरान इसको लिख दिया जाएगा। तो आप इस पिक को देखते जाइए, ऊपर से देखते लीजिए, ये मॉन्स प्यूबिस, इसको प्यूबिक हेयर कहते हैं, यहां पर ये जंक्शन है लेबिया मेजोरा और लेबिया मेनोरा का, जो जंक्शन है वहां पर एक क्लाइटोरिस होते हैं, यहां पर जो गोल जैसे देख रहे हैं ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा है, ये जो अंदर वाला स्पेस है इसको वेस्टिबुली कहते हैं, ये सबसे बाहरी वाला जो हेरी आवरण है इसको लेबिया मेजोरा कहते हैं, ये अंदर वाला जो पार्ट है लेबिया मेनोरा है, ये एनस है इसको मल द्वार कहते हैं, मल द्वार और एक्सटर्नल जेलेटर ऑर्गेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरिनियम कहते हैं। ये ओपनिंग ऑफ वजाइना है। पिछले लेक्चर में क्या गलती हुई थी, तो वहां पर लिखे थे एरो देकर के, एक बार सुधार लीजिएगा उसको, कि वजाइना जो है कार्य में, वजाइना मिक्चुरल ऑर्गेन है, वजाइना मिक्चुरल ऑर्गेन नहीं है, उसको काट दीजिएगा, वजाइना मिक्चुरल ऑर्गेन नहीं है,
भेजेना मिक्चुरल ऑर्गेन नहीं है, ये पिछले लेक्चर में आप यदि इसको लिख लिए होंगे, इसलिए कि फीमेल में, नीचे नोट में लिखे थे कि फीमेल में यूरोजेनिटल ऑर्गेन नहीं होता है, यूरिन के लिए अलग रास्ते होते हैं और प्रजनन के लिए कपुलेशन के लिए अलग रास्ते होते हैं, तो दोनों की रास्ते अलग अलग होती है, इसलिए इसको यूरोजेनिटल ऑर्गेन फीमेल में यूरोजेनिटल ऑर्गेन नहीं होता। तो वहां पर गलती से लिखा गया था कि वजाइना जो है मिक्चुरल ऑर्गेन है, पर सस्पिशन किए थे वहां पर, एक बार वीडियो रिमाइंड करके देखिएगा सस्पिशन हुआ था तब तक मैं लिख दिए, तो उसको सुधार कर लेंगे। तो आप इस फिगर को एक बार ड्रॉ कीजिए, इसके बाद हम फिगर लगाते हैं, 5-10 सेकंड के लिए फिगर लगाएंगे, जो बुक लेवल्ड फिगर है उसको लगाएंगे, तो आप देखिएगा फिगर में, और इससे हो सकता है इससे ज्यादा कुछ नाम हो उसमें, उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन को हम लिखते हैं। तो फटाक से एक बार आप नोट कर लीजिए और यहां पर हम फिगर को लगाएंगे और फिगर को समझाते जाएंगे। नोट कर रहे हैं? चलिए, तो फिगर पर एक गौर कीजिए, सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर मॉन्स प्यूबिस है, देख रहे हैं, मॉन्स प्यूबिस के चारों तरफ देखेंगे हेरी स्ट्रक्चर है, उसके जस्ट नीचे आ जाइए तो वहां पर प्रीप्यूस है, प्रीप्यूस के जस्ट नीचे एक गोलाकार स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्लाइटोरिस रखा गया है, क्लाइटोरिस आ जाइए लेफ्ट साइड से देखिए, राइट साइड से क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे देखिए आउटलाइन को इंडिकेट किया गया है जिसका नाम लेबिया माइनोरा लिखा गया है, जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, लेबिया माइनोरा के जस्ट नीचे देखिए लेबियम मेजोरा या लेबिया मेजस कहते हैं इसको, ये दिखाया गया है, यम जो हो गया सिंगुलर में हो गया। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आ जाइए तो ओपनिंग देखिए वजाइना का, उसके बाद नीचे देख लीजिए एक हाइमेन मेम्ब्रेन है, आगे डिस्क्रिप्शन में आपको बताएंगे, यहां पर हम मेम्ब्रेन दिखा नहीं सकते हैं, जस्ट उसके नीचे आ जाइए तो लेबिया माइनोरा का स्ट्रक्चर है, मैंने फ्री नूलम ऑफ लेबिया माइनोरा लिखा गया है। अब आ जाइए लेफ्ट साइड में, तो मिडिल में देख रहे हैं आप एनस लिखा हुआ है जिसको मल द्वार कहते हैं, एनस और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गेन के बीच में जो स्पेस है उसको पेरिनियम कहते हैं, आप देख रहे हैं इस तरफ से देखिए कि मतलब कि लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा के दोनों तरफ जो है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड डक्ट है, उसको क्या कहते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर डक्ट भी कहते हैं या बर्नोथिल बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं उसको। उसके ऊपर देख लीजिए लिखा हुआ है एक छोटा सा गोल जैसे दिया हुआ है यूरेथ्रा है, उसी को अपन फिगर में ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा लिखाए हैं, और देखिए बीच वाला जो स्पेस है उसको वेस्टिबुली कहते हैं, इतना कुछ दिया गया है। अब फिगर हटा रहे हैं, यदि चाहे तो रोक करके आप नोट कर सकते हैं, तो ठीक, तो आप उसको देख लिए और इस फिगर को आप ड्रॉ भी कर लिए हैं, चाहे यहां से ड्रॉ कीजिए चाहे उसको ड्रॉ कीजिए। अब इसके कुछ मेन पार्ट है उसको लिख लेते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझाते चलेंगे। तो मेन पार्ट को फिगर को हम इरेज करेंगे और इरेज करके समझाते हैं, यदि अभी तक आपने नहीं छापा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, आप कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक करके पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। सुनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गेन को सम्मिलित रूप से भलवा कहते हैं, बाह्य जनन अंग जितने भी हैं ये सारे के सारे आप जो देख रहे हैं ये बाह्य जनन अंग है, इसको क्या कहते हैं भलवा कहते हैं। ठीक, भलवा के अंतर्गत सबसे पहले जो आता है मॉन्स प्यूबिस, टर्म याद रखेंगे मॉन्स प्यूबिस। अब क्या है पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन आपको बताएं कि कमर का रीजन जो होता है वो पेल्विक रीजन होता है और ये कंधे का रीजन जो होता है वो पेक्टोरल रीजन होता है, आ रही है समझ में। तो पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन में दो तीन तरह के बोन होते हैं, खास करके महिलाओं में तो जो कुछ बोन जो होते हैं प्रोमिनेंट होते हैं, तो मॉन्स प्यूबिस नहीं प्यूबिक बोन। अब यहां पर जो है इधर से चला है इलियम और इस्चियम, यहां पर जो सामने में बोन है यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो सामने में जो बोन होता है इसको प्यूबिस बोन कहते हैं, इसको पैड भी कहा जाता है। तो प्यूबिस बोन फैट के मोटे परत से ढके होते हैं, ये रीजन जो होता है फीमेल में खास करके ये फैटी रीजन होते हैं, मेल में भी फैटी रीजन होते हैं, अपेक्षाकृत मेल के फीमेल में ज्यादा फैटी रीजन होते हैं, मतलब मोटे होते हैं और फैट वसा संघनित रहते हैं, फैट के मोटे परत से ढके होते हैं ये प्यूबिक बोन, जिसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, उसी एरिया को मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, ये एरिया जो है ये मॉन्स प्यूबिस कहते हैं।
प्यूबर्टी के दौरान, प्यूबर्टी का मतलब होता है परिपक्व होना, मतलब जब एज आपके 13-14 के आसपास पहुंचती है, 13-14 से आगे बढ़ने लगती है, 12 को जब आप क्रॉस करने लगते हैं, तो उस दौरान मतलब प्यूबर्टी के दौरान इस पर बाल उगने लगते हैं। इस पर क्या उगते हैं? बाल उगने लगते हैं। तो ये हो गया मॉन्स प्यूबिस। शायद आप इस भाषा को पढ़ करके या फिगर को देख करके समझ गए होंगे कौन सी ये रीजन है। उसके बाद आता है लेबिया मेजोरा। मेनली इसका नाम जानना है और ये पोजीशन बताना है, आप खुद ही समझ जाएंगे। लेबिया मेजोरा क्या कहता है? वेजाइनल ओपनिंग के दोनों ओर, ये वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों ओर मोटे फैटी टिश्यू का, मतलब मोटा होता है फैटी टिश्यू का, लिप लाइक, लिप मना ओट नया, महिलाएं सब या लड़कियां लिपस्टिक लगा करके जाओ ऐसे ऐसे करके मिलाते हैं नहीं, तो लिप लाइक लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबवत, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लंबवत स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे लेबिया मेजोरा कहते हैं, ऊपर से ऐसे करके ढका होता है और मोटे होते हैं, ऐसे मोटे होते हैं जैसे आम के गुठली देखे होंगे तो दोनों तरफ से उसको पत्ता देखिए उसका, तो ठीक उसी तरह से ये होते हैं। आगे देखिए, प्यूबर्टी के दौरान लेबिया मेजोरा के ऊपर बाल उगते हैं, तो इसके ऊपर भी क्या उगते हैं? बाल उगते हैं। ये जो ऐसे करके डॉटेड दिखाया हुआ है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इस पर बाल उगते हैं, ये लेबिया मेजोरा है। क्लियर। उसके बाद देखिए लेबिया माइनोरा, तो ये जो लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वेजाइनल ओपनिंग के दोनों ओर, तो वहां पर क्या होता है कि ये दो दो परत में होते हैं, एक परत ऊपर होते हैं मोटे परत जिस पर बाल उगते हैं, जस्ट उसके नीचे एक पतले परत होते हैं जिसको क्या कहते हैं? लेबिया माइनोरा कहते हैं। लेबिया मेजोरा के नीचे लॉन्गिट्यूडनल स्मॉल लिप लाइक पतले, यहां पर लिखे नहीं है, पतले स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और ये पतले होते हैं। ऊपर वाला लेबिया मेजोरा मोटा होता है और लेबिया माइनोरा पतला होता है, ठीक। तो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसमें स्किन पिगमेंट, ये प्रायः ब्लैकिश होता है, स्किन का जो पिगमेंट होते हैं, कलर्ड पिगमेंट ऑफ स्किन मेलाटोनिन, उसको कौन से पिगमेंट कहते हैं नोट कर लीजिएगा, कलर्ड पिगमेंट ऑफ स्किन इक्वल टू मेलाटोनिन, या उसके सेल को मेलेनोसाइट कहते हैं, कहीं पर कप्चा में लिख लीजिएगा मेलेनोसाइट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्किन पिगमेंट काफी अधिक पाए जाते हैं, उसे लेबिया माइनोरा कहते हैं, इसमें बाल नहीं होते हैं। तो ये प्रायः ये रीजन जो होता है, ये लेबिया माइनोरा जो होता है, इसमें स्किन पिगमेंट ज्यादा होता है और ये प्रायः ब्लैकिश होता है, प्रायः ब्लैकिश होता है ये लेबिया माइनोरा। तो ये तीन पॉइंट लिखे हैं, आप इनको फटाक से नोट कीजिए, इन तीनों पॉइंट को फिर इरेज करेंगे और आगे की पॉइंट लिखेंगे। तो नहीं नोट किए हैं तो फटाक से आप नोट कीजिए, 1 2 3 4 5। चलिए, कुछ लिखा हुआ आप पुनः देख रहे हैं, आइए देखते हैं फिर से। सबसे ऊपर जो है लिखा हुआ है पेरिनियम, पेरिटोनियम नहीं, मिलते जुलते नामों से सावधान, असली का पहचान स्पेलिंग देख करके करें। पेरिनियम देखिए क्या कहता है, वेजाइनल ओपनिंग मतलब ये वेजाइनल ओपनिंग तथा एनस, एनस का मतलब मल द्वार, लिख लीजिए एनस के बीच के स्किन को पेरिनियम कहते हैं, यहां से यहां के जो बीच का जो स्किन है ये वाला, इसको क्या कहते हैं? पेरिनियम कहते हैं। यह प्रायः कोमल स्किन होते हैं जिसमें बाल भी उगता है, ये पेरिनियम है। आइए क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा तथा के जंक्शन, यहां छोटा हुआ है, लेबिया मेजोरा तथा माइनोरा के जंक्शन पर देखिए,
लेबिया मैजोरा तथा माइनोरा के जंक्शन, इधर से आया है ये लेबिया मैजोरा और ये वाला गया है लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर यूरेथ्रा के ऊपर, मतलब ये जो ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा है इसके जस्ट ऊपर मटर आकार के, मटर के दाने आकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं, जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। यहां पर दो लाइन को हम VVI मार्क करेंगे, VVI, आप देख रहे हैं VVI लगा हुआ, VVI किसमें लगा हुआ है, क्लाइटोरिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में, याद करेंगे भाई, क्लाइटोरिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, उत्तेजना वाला अंग होते हैं, इसको तो भूलेंगे ही नहीं, फीमेल के क्लाइटोरिस तथा मेल के पेनिस होमोलोगस होते हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है जब पेनिस पढ़ रहे थे तो वहां पर एनालोगस लिखे थे, वहां पर आप हो सके तो उनको सुधार लीजिएगा, काट दीजिएगा, एनालोगस नहीं क्या होते हैं, होमोलोगस, मतलब समजात अंग, समजात अंग, समजात अंग का मतलब क्या होता है, वैसे अंग जिसकी उत्पत्ति अलग अलग भागों से हुई है, अलग अलग जर्मिनल लेयर से हुई है लेकिन एक जैसा काम करता है, उसे क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गेन कहते हैं। तो क्या बताएं कि क्लाइटोरिस फीमेल, फीमेल के क्लाइटोरिस तथा मेल के पेनिस होमोलोगस होते हैं। आप उल्टाइएगा, टॉपिक होगा पेनिस, हाँ पेनिस या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में पेनिस, और पेनिस में वहां पर शायद एनालोगस लिखे होंगे, इसको ठीक कर लीजिएगा, होमोलोगस होगा। उसके बाद आइए वेस्टिबुली, लेबिया माइनोरा से यूरेथ्रा, लेबिया माइनोरा से यूरेथ्रा तथा वेजाइना ओपनिंग, लेबिया माइनोरा ये अंदर वाला पार्ट, लेबिया माइनोरा से यूरेथ्रल ओपनिंग तथा वेजाइनल ओपनिंग के बीच का जो ये जगह है, बीच का जो ये जगह है इसको क्या कहते हैं, वेस्टिबुली कहते हैं, वेस्टिबुली कहते हैं। अब दो ऑर्गन छोटा हो गया, बर्नोलिन बर्थोलिन ग्लैंड्स यहां पर पाए जाते हैं, बर्थोलिन्स बर्नोथिल्स ग्लैंड, और दूसरा है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग क्यों महत्वपूर्ण है तो आगे जानते हैं, वेजाइनल ओपनिंग क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, इसको इरेज करके फिर इन दोनों ऑर्गन को लिखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। फटाक से इनको नोट कर लीजिए, अभी तक आपने नोट नहीं किया तो फटाक से कीजिए इनको नोट। चलिए कुछ लिखे हैं महत्वपूर्ण रोचक तथ्य, लिखा हुआ है वेजाइनल ओपनिंग, इसको वेजाइनल ओरिफिस भी कहते हैं, याद रखना, वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफिस, पहले आप इनको नोट कर लीजिए फिर समझते हैं, और आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके अवश्य बताइए। कहता है कि वर्जिन ओमेन में, वर्जिन क्या है, वर्जिन का मीनिंग होता है, यहां पर हम लिख देते हैं, फिगर को मिटा दे, अब फिगर की आवश्यकता नहीं, यहां पर दो शब्द लिखे हैं, वर्जिन एंड नन वर्जिन, वर्जिन वर्जिन का मीनिंग होता है कुआरी, शुद्ध, पवित्र, ब्रह्मचर्य, डॉट डॉट डॉट, नन वर्जिन नन वर्जिन का मतलब विवाहित, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। तो क्या बताएं कि वर्जिन ओमेन मतलब कुमारी, शुद्ध, पवित्र ओमेन में वेजाइनल, वेजाइना का ओपनिंग, वेजाइनल नहीं, वेजाइना का ओपनिंग डबल फोल्डेड मतलब दोहरी झिल्ली, डबल फोल्डेड
म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लॉक्ड रहते हैं, बंद रहता है, पैक रहते हैं, सील्ड रहते हैं, ब्लॉक्ड रहते हैं, जिसे हाइमेन या सील कहते हैं। ऐसा किसमें होता है? वर्जिन में, कुवारी, शुद्ध, पवित्र या ब्रह्मचर्य कैटेगरी की जो स्त्रियां हैं, गर्ल्स हैं, नारी हैं, उसके वेजाइनल ओपनिंग, वेजिना का और ओरिफिस योनि का जो द्वार है वो किससे? एक हाइमेन मेम्ब्रेन से ढके होते हैं। ये होता किसका है? तो डबल फोल्डेड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उससे ब्लॉक्ड होते हैं, बंद होते हैं, सील होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? हाइमेन कहते हैं। अब आगे की बात देखिए, नन वर्जिन या मैरिड वुमन, विवाहित या अपवित्र, वैसे नन वर्जिन मतलब विवाहित महिला, या फिर वैसे जो समझ रहे हो वगैरह वगैरह, नन वर्जिन या मैरिड वुमन में हाइमेन नहीं होते हैं, टूट चुके होते हैं, कहां से रहेगा? पवित्रता की तो बात ही नहीं रही, तो फिर हाइमेन की कहां से बात होगी? आगे देखिए, हाइमेन फर्स्ट क्वेश्चन इंटरकोर्स के दौरान टूटता है। पहली बार जब शारीरिक संबंध स्थापित की जाती है, फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स की जाती है, क्वाइटस जिसको कहते हैं, संभोग की जाती है, तो उस दौरान वर्जिन वुमन का हाइमेन मेम्ब्रेन टूट जाता है। ठीक, आगे देखिए नोट में कुछ बातें लिखी गई है। हाइमेन, हाइमेन मतलब ये डबल फोल्डेड मेम्ब्रेन, हाइमेन स्पोर्टिंग खेलकूद, बाइसाइकिलिंग साइकिल चलाना, हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी करना के दौरान टूट जाता है। यदि कोई गर्ल्स हैं जो साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, स्पोर्ट में स्पोर्टिंग कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद इत्यादि वगैरह लगा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, घोड़े चला रहे हैं, तो उसके वेजाइनल ओरिफिस का जो डबल फोल्डेड मेम्ब्रेन हाइमेन है वो क्या होते हैं? टूट जाता है। इसलिए यहां लिखे हैं नोट में, याद रखना, इसलिए हाइमेन का होना या नहीं होना, हाइमेन का होना या नहीं होना, चूंकि यहां पर लिखी हुई है ब्लॉक रहता है, अनन वर्जिन में नहीं होता है, तो हाइमेन का होना या नहीं होना, इसलिए हाइमेन का होना या नहीं होना वर्जिनिटी या नन वर्जिनिटी, पवित्र या अपवित्र का प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है बालक वर्ग, ये वर्जिनिटी की कोई प्रमाण नहीं है। हाइमेन टूटने से ब्लीडिंग होती है, जिससे गर्ल्स को फर्स्ट टाइम, गर्ल्स को प्रायः मेनार्किया का भ्रम होता है, मेनार्किया का भ्रम होता है। मेनार्किया क्या होता है कि बिगिनिंग पीरियड में जब गर्ल्स क्या होते हैं कि प्यूबर्टी एज को प्राप्त कर रहे होते हैं, उसमें मासिक चक्र प्रारंभ होती है, तो प्रथम लाइफ में पहली बार जो मासिक चक्र प्रारंभ होती है उसको क्या कहते हैं? मेनार्किया कहते हैं, मेनार्किया। तो फर्स्ट टाइम जब क्या होता है कि दौड़ने धोपने के दरमियान या फिर वगैरह फर्स्ट क्वेश्चन के दौरान, कभी कभी तो कुछ ऐसे गर्ल्स होते हैं वगैरह, हाँ, साइकिलिंग के दौरान, हॉर्स राइडिंग के दौरान इत्यादि वगैरह वगैरह के दौरान क्या होते हैं कि हाइमेन टूट जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग होने से क्या होता है कि मेनार्किया का आभास होता है। यदि इसे को, इसे इस चीज को यदि बायोलॉजी से रिलेटेड लोग पढ़ लें तो उसे कुछ सब ऊपर से जाने वाला है, सब ऊपर से जाने वाला है, इसलिए आपको बायोलॉजी पढ़ना आवश्यक है। यहां पर मैंने मासिक चक्र भी लिख सकता था लेकिन नहीं लिखे, ताकि उनको आसानी से समझ में आ जाएंगे नॉन बायोलॉजियन को, अब बायोलॉजियन तो इसको समझ भी करेगा। तो क्या कहते हैं, टूटने से मेनार्किया का क्या होता है? भ्रम होता है, ये भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न करता है। इसलिए बताए थे कि वेजाइनल ओपनिंग क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये देखें कि हाइमेन मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह, इसके बाद एक और ऑर्गेन है उसको देख लेते हैं फटाक से, उसके बाद हम लोग ब्रेस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो फटाक से इनको आप नोट कीजिए, फटाक से नोट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए देख ले रहे हैं बर्थोलिंस ग्लैंड, क्या है? बर्थोलिंस ग्लैंड देखिए क्या है, और अंतिम है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बर्थोलिंस ग्लैंड। यह दो बीम शेप्ड ग्लैंड है जो वेजाइनल ओपनिंग के दोनों ओर लेबिया मेजोरा में पाए जाते हैं, लेबिया मेजोरा में पाए जाते हैं। इससे एल्केलाइन मतलब क्षारीय, विस्कस मने चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गेन मतलब वेजाइना के ओपनिंग, यूरेथ्रल, लेबिया मेनोरा, लेबिया मेजोरा आदि, पेरिनियम इत्यादि,
जेनेटल ऑर्गेन को लिब्रिकेंट मतलब फिसलने योग्य चिपचिपा बना देता है, जिससे क्या होता है कि क्वेश्चन में मतलब कि इंटरकोर्स में दिक्कत नहीं होती है। डीबीआई फीमेल के बर्थोलिंस ग्लैंड, फीमेल के बर्थोलिंस ग्लैंड तथा मेल के बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड याद कीजिए एनालोगस होते हैं, एक जगह होमोलोगस। होमोलोगस कौन कौन? क्लाइटोरिस एंड पेनिस। होमोलोगस क्लाइटोरिस एंड पेनिस, होमोलोगस बर्थोलिंस एंड बल्ब यूरेथ्रल एनालोगस। तो कैसे याद करेंगे? बी ए या ए बी, एनालोगस बल्ब यूरेथ्रल बर्थोलिन, एनालोगस बर्थोलिन बल्ब यूरेथ्रल, बी से बर्थोलिन, बी से बल्ब यूरेथ्रल, ए से एनालोगस। तो ए बी यदि इस तरह के एनालोगस होमोलोगस और मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टकराने लग जाए तो आप ए बी को याद करेंगे ए फॉर एनालोगस, बी फॉर बर्थोलिन्स, बी फॉर बल्ब यूरेथ्रल। यदि ऐसा आ गया तो बर्थोलिन और बल्ब यूरेथ्रल एनालोगस, यदि ये दोनों नहीं है तो क्लाइटोरिस एंड पेनिस सीपी, सीपीएच, सीपीएच क्लाइटोरिस पेनिस होमोलोगस, सीपीएच, सीपीएच ए बी, बस सीपीएच क्लाइटोरिस पेनिस होमोलोगस और ये क्या हो गया एनालोगस बर्थोलिन एंड बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। इसके बाद देखिए इसमें क्या होते हैं कि दोनों ग्लैंड का एक कॉमन डक्ट होता है, दोनों दोनों बर्थोलिन बर्थोलिंस बर्थोलिंस ग्लैंड का एक ही मतलब कॉमन कॉमन डक्ट होते हैं, जो एक ही कॉमन डक्ट होते हैं जो क्या करता है सिंगल डक्ट दी जा रहे ना लोग सिंगल डक्ट होते हैं कॉमन डक्ट होते हैं जो 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 वैजाइनल ओरिफिस के निकट खुलता है। ग्लैंड तो दो हैं, दो बीम शेप्ड ग्लैंड हैं, तो ग्लैंड्स कहिए, ग्लैंड्स हैं जिनके एक ही डक्ट होते हैं, कॉमन डक्ट हैं जो वैजाइनल ओपनिंग के आसपास खुलता है। तो इनको फटाक से आप नोट कर लीजिए, इनको क्या करेंगे इरेज करेंगे और हेडिंग देंगे ब्रेस्ट मेमरी ग्लैंड। ठीक नोट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको मिटाया जाए और इसी तरह से क्या होता है एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गेन समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग एक छोटी सी टॉपिक है मिटाने वाला आने वाला कल मिटाने वाला तो घर चल गया भैया। हाँ तो हेडिंग लगा दीजिए ब्रेस्ट इसलिए वीडियो के यहां पर क्या कर देना पड़ता है बंद कर देना पड़ता है जब मिटा रहे हैं तब तक मैं आप सोचिए और हेडिंग डालिए। तो क्या लिखेंगे बी आर ई ए एस टी एस, बी आर ई ए एस टी एस ब्रेस्ट मतलब अस्तन। फीमेल के मिल्क सिक्रीटिंग, फीमेल के मिल्क सिक्रीटिंग फीमेल के मिल्क सिक्रीटिंग ऑर्गन और कुछ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एसेसरीज ग्लैंड है ये, फीमेल के मिल्क सिक्रेटरी ऑर्गन को ब्रेस्ट्स कहते हैं। दूध स्रावित करने वाले ऑर्गन को क्या कहा जाता है
ब्रेस्ट कहा जाता है। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एसेसरी माने सहायक ग्लैंड है। अब यहां पर एक लाइन और लिखते हैं और याद रखेंगे, मिल्क सिक्रीटिंग ऑर्गेन, ना ऑर्गेन को ब्रेस्ट कहते हैं पर ग्लैंड होता है, मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड को मेमरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क सिक्रेटरी ऑर्गेन को ब्रेस्ट कहते हैं, मिल्क सिक्रेटरी ऑर्गेन को ब्रेस्ट कहते हैं, और मिल्क सिक्रेटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मेमरी ग्लैंड कहते हैं। भी भी आई मिल्क सिक्रेटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मेमरी ग्लैंड। यहां पर एक लाइन और लिखेंगे, भी भी आई ये मॉडिफिकेशन है, सिक्रेटरी ग्लैंड जो है ये मॉडिफिकेशन है किसका? ब्रेस्ट इज द मेमरी ग्लैंड, इज द मेमरी ग्लैंड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड, होनी चाहिए स्वेट ग्लैंड, मिल ग्लैंड स्वेट ग्लैंड। तो क्या कहेंगे? मेमरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। स्वेट ग्लैंड क्या है? तो वैसी ग्रंथि जिससे पसीना एकदम गरगर निकलता है उसको स्वेट ग्लैंड कहते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो ब्रेस्ट के रीजन के मतलब थोरेसिक कैविटी के जो रीजन के जो सीबेसियस ग्लैंड होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? मेमरी ग्लैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रेस्ट की पोजिशन थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में लेटरल साइड, यहां से ऊपर को थोरेसिक कैविटी कहते हैं, यहां से नीचे को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, पेट रीजन और छाती का रीजन। तो ये ब्रेस्ट की पोजीशन, ये ब्रेस्ट की मेमरी ग्लैंड मतलब मिल्क सिक्रेटरी ग्लैंड, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन सी ग्लैंड है, क्या क्या होता है इत्यादि वगैरह वगैरह। ठीक, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका एक बार फिगर बना लेते हैं, और फिर फिगर बना करके क्या क्या है कहां है उसको देख लेते हैं। ठीक, तो नोट कर लिया, फैटी टिश्यू लोब्यूल डक्ट नोट कर लिया है, तो चलिए मिटा दें इनको, तो मिटा रहे हैं, थोड़ी धीरे धीरे चल रहे हैं। स्वेट ग्लैंड क्या है? तो पसीना स्रावित करने वाला जो ग्लैंड है उसको क्या कहते हैं? स्वेट ग्लैंड कहते हैं, ये स्वेट ग्लैंड। अब कैसे मेमोरी ग्लैंड को कैसे बनाएंगे? यहां पर क्या होता है, इसके जस्ट नीचे है एक फैटी ग्लैंड का एकदम परत होता है लगा हुआ, ऐसे करके इसमें एकदम फैट जमकल होता है, फैटी लेयर। फैटी लेयर के नीचे क्या होते हैं?
अब इससे एक डक्ट ऐसे करके निकले होते हैं, सब यहां करके सीधा जुड़ा होता है। सबके छोटे छोटे पोर होते हैं। इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में हम यहां पर दिखा रहे हैं, इस रीजन में दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये क्या होता है कि थोड़ा येलोइश रहता है, ठीक, ब्लैकिश इस रीजन में, और इसमें छोटा छोटा क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। अब इसका नाम क्या क्या है तो नाम एक बार लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, क्या क्या नाम दी गई है इसकी, फिर धीरे धीरे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो फैटी टिश्यू है, ये ऊपर में सबसे ऊपर ये जो देख रहे हैं आप, ये फैटी टिश्यू है। उसके बाद जो इसको देख रहे हैं ये डक्ट कहलाता है, लोब्यूल्स है ये। इसके नीचे जो आप ये देख रहे हैं इसको डक्ट कहते हैं, और डक्ट हो गया ये, और यहां पर जो ये फुला फुला हुआ भाग कहीं पर देखेंगे तो यहीं पर किसी का नाम हो जाता है एम्पुला। ये जो सबसे ऊपर में आप ये भाग देख रहे हैं इसको निप्पल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, निप्पल कहते हैं। इसमें ओपनिंग होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है। ये जो ब्लैकिश यहां पर डार्क होता है रीजन, इसको एरियोला कहते हैं, एरियोला कहते हैं। आगे देखेंगे कि इस पर हार्मोन्स का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको एरियोला कहते हैं। तो आप फिगर को ड्रॉ कीजिए और बारी बारी से इसके डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं, छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितने इसमें डक्ट होंगे, ये जितने जितने डक्ट आएंगे उतने इसमें क्या होगा, ये उतने इसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये निप्पल रीजन में। आ रही है बात समझ में, ये एसेसरी ग्लैंड है। नोट कीजिए फिगर को, फिर आगे इसके डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, लिखा हुआ है, स्पष्ट दिख रही है, पढ़ रहे हैं, देखिए क्या है। कहता है कि मेमरी ग्लैंड छोटे छोटे लोब में विभक्त होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसन करने वाले ग्लैंड होते हैं उसको मेमरी ग्लैंड कहते हैं, छोटे छोटे लोब में विभक्त होते हैं जिसे लैक्टिफेरस लोब्यूल्स कहते हैं, जिसे लोब्यूल्स यहां पर लिखा गया है, ठीक। उसके बाद लैक्टिफेरस लोब्यूल से एक नली निपल की ओर रन करती है, बढ़ती है, जिसे लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। ये लैक्टिफेरस डक्ट है, डायलेटेड पार्ट एम्पुला, मतलब डक्ट कहीं कहीं फूला हुआ होता है तो उसको एम्पुला कहते हैं। प्रत्येक ब्रेस्ट में 15 से 20 लैक्टिफेरस, यहां पर लैक्टिफेरस लिखा हुआ, लोब्यूल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक ब्रेस्ट में 15 से 20 लैक्टिफेरस लोब्यूल्स पाए जाते हैं। निप्पल में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिससे मिल्क स्रावित होता है, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं जिससे मिल्क स्रावित होता है। निप्पल के चारों ओर पिगमेंटेड, वही बताए थे मेलाटोनिन, ब्लैकिश, तो पिगमेंटेड एरिया पाए जाते हैं जिसे एरियोला कहते हैं। एरियोला में क्या होता है, ये ब्लैकिश कलर के होते हैं, और क्या है? इसके चारों ओर ब्लैकिश एरिया पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। तो ये तो रही मेमरी ग्लैंड से संबंधित कुछ बातें। अब देख लेते हैं कि मदर मिल्क, तो मेमरी ग्लैंड क्या होता है, तो बच्चे में कुछ और, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसकी डेवलपमेंट बढ़ती है, फिर प्री प्यूबर्टी, फिर प्री प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाता है कि ऑक्सीटो हार्मोन्स, यहां पर हम लिखते हैं, इसको मिटा ले, 1 2 3 4 5 6 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखते हैं, तो या लिख लीजिए मेमरी ग्लैंड में मिल्क निर्माण की प्रक्रिया, मेमरी ग्लैंड में मिल्क निर्माण की प्रक्रिया एवं मिल्क स्राव की प्रक्रिया, मिल्क स्राव की प्रक्रिया हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है।
हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है, इतना लिख लिया आप। इसके बाद क्या कहेंगे, इसके बाद मिल्क का स्राव प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के प्रभाव में होता है। मिल्क का स्राव प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव में होता है, ठीक। अब ये प्रोलैक्टिन स्रावित कहां से होता है, तो लिख लीजिए एरो देख करके, प्रोलैक्टिन एंटेरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है, लिख लिए मिल्क का स्राव। नेक्स्ट पॉइंट में मिल्क का निर्माण ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के प्रभाव में होता है। मिल्क का निर्माण ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव में होता है। ऑक्सीटोसिन कहां से स्रावित होता है, तो लिखिए ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है। नीचे एरो देख करके लिखेंगे। मिल्क निर्माण की प्रक्रिया गर्भधारण के बाद प्रेगनेंसी, गर्भधारण को क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी, गर्भधारण के बाद प्रारंभ हो जाती है। मिल्क निर्माण के कार्य गर्भधारण के बाद प्रारंभ हो जाती है। मिल्क निर्माण का कार्य गर्भधारण के बाद क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में चाइल्ड बर्थ के बाद पूर्व से निर्मित मिल्क क्या लिखें, चाइल्ड बर्थ के बाद पूर्व से निर्मित मिल्क को कोलोस्ट्रम, पूर्व से निर्मित मिल्क को कोलोस्ट्रम कहते हैं। चाइल्ड बर्थ के बाद पूर्व से निर्मित मिल्क को क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों के लिए कोलोस्ट्रम अमृत समान होते हैं, जो बच्चों में रोग निरोधी क्षमता उत्पन्न करता है।
जो बच्चों में रोग निरोधी क्षमता उत्पन्न करता है। लिख लिए, जो बच्चों में रोग निरोधी क्षमता उत्पन्न करता है, लिखें नीचे लिखेंगे एरो दे करके, मदर मिल्क बीबीआई मार्क, एकदम देखिए अभी यहां से बीबीआई चल रहा है, मदर मिल्क में एंटीबॉडी आईजीए, कोरोना के काल में सुने होंगे कि एंटीबॉडी का निर्माण होना नहीं, तो एंटीबॉडी पांच प्रकार के जिसमें से एक आईजीए, मदर मिल्क में एंटीबॉडी आईजीए पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जो मिल्क के द्वारा मदर बॉडी से चाइल्ड में जाता है, चाइल्ड में जाता है। मदर मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी आईजीए पाए जाते हैं, जो मिल्क के द्वारा मदर बॉडी से चाइल्ड बॉडी में जाता है। कुछ माएं ऐसी होती है फैसिनेटेड मां, फैसिनेटेड मां जो अपने ब्रेस्ट को बचाना चाहते हैं, क्योंकि सकिंग ब्रेस्ट जो होता है वो लुढ़क जाता है, लटक जाते हैं, तो ऐसे मां को फैसिनेटेड मां कहते हैं। नहीं, आजकल की कलयुगी मां हो सकती है, वो अपने बच्चे को क्या करते हैं, स्तनपान नहीं करवाते हैं, क्योंकि उसे ब्रेस्ट बचा करके रखना है। तो उनके जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे में आईजीए नामक एंटीबॉडी नहीं पहुंचता है, जिसके कारण उसमें रोग निरोधी क्षमता कम होते हैं और वैसे बच्चे फट फट बीमार पड़ता है, फट फट बीमार पड़ेगा, तो ऐसी माओं से सावधान रहें। तो मदर मिल्क आवश्यक है किसके लिए, उसमें भी कोलेस्ट्रॉम, हमारे गांव घर की पहले पद्धति थी कि गाय भैंस बकरी वगैरह जो भी है मनुष्य जो भी पहले बच्चे दिए उनके जो मिल्क स्रव होती थी जिसको खील कहते हैं गांव घर में, उसको फेंक देते हैं। जी नहीं 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 नहीं, नहीं। वे उनके बच्चे को पिलाइए, उनके उनके कोलेस्ट्रॉम में आईजीए काफी मात्रा में है जो उनमें रोग निरोधी क्षमता उत्पन्न करने वाला है। ठीक, तो ये तो रही मदर मिल्क में कौन से वीवीआई एंटीबायोटिक। अब देखिए मदर मिल्क के क्या क्या अवयव हैं, कंपोजिशन ऑफ मदर मिल्क, कंपोजिशन ऑफ मदर मिल्क, नंबर एक आईजीए, ये क्या है एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी। दूसरा नंबर क्या है, लैक्टोज, ये क्या है, ये मिल्क शुगर है। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, केसीन, स्पेलिंग केसीन, केसीन ठीक, केसीन है, ये क्या है मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है। चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर वो लाइसोजाइम है, ये मिल्क एंजाइम है, मिल्क मिल्क एंजाइम जो बैक्टीरिया को भी नष्ट करने का काम करता है। तो इतने कंपोजिशन है किनके, मदर मिल्क के। अब देखिए इसको मिटा दे इधर, ये आप तो नोट कर लिए थे, बोल बोल करके लिखाए थे, चलिए एक लाइन और लिखेंगे, मात्र एक लाइन और लिखना है, क्या चाइल्ड बर्थ के बाद, और कोई जरूरी नहीं कि चाइल्ड बर्थ के तुरंत बाद मिल्क स्राव प्रारंभ हो जाए, 24 से 36 घंटा भी ले सकता है, यदि फर्स्ट टाइम है तो पहले से भी, प्रेगनेंसी से पहले से भी क्या होते हैं कि मिल्क का स्राव होने लगता है, और सेकंड थर्ड चाइल्ड है तो पहले से इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क सिक्रीशन, सिक्रीशन की प्रक्रिया को लैक्टेशन,
लैक्टेशन कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। ठीक, ये अंतिम लाइन थी। इसके बाद एक होगा तो डॉट, क्या कहते हैं, ग्राफिकल स्ट्रक्चर, या फिर आपको हम मुंह से बोल करके बता रहे हैं कि ये ब्रेस्ट मतलब मेमोरी ग्लैंड का जो इनलार्जमेंट है ये हॉर्मोन्स के उपस्थिति में होता है। जैसे जैसे हॉर्मोन्स बढ़ेगा, अब जैसे बच्चे हैं मान लिया जाए, तो बच्चे हैं तो ये उनकी मेमोरी ग्लैंड ऐसे करके एकदम फिटस में ऐसे करके थोड़ा सा निखार आएगा, थोड़ा सा फिटस में। उसके बाद ये जन्म के समय, जन्म के समय बच्चे में एकदम छोटा सा ऐसे करके ये बिंदुवत, बिंदुवत जन्म के समय थोड़ा सा। उसके बाद जैसे ही आगे डेवलपिंग करेगा ये, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन में प्रवेश करेगा प्यूबर्टी एज, जैसे ही प्रेगनेंसी में आएगा ये एकदम बढ़ते जाएगा, जैसे ही एकदम सकिंग चाइल्ड बर्थ के बाद सकिंग, तो ऐसे करके ये मेमोरी ग्लैंड की पोजीशन है। ये क्या है, ये फीटस में है, ये फीटस में चाइल्ड बर्थ, ये यहां से यहां तक क्या है पुबर्टी, प्रेगनेंसी, सकिंग। चाइल्ड बर्थ में इसे थोड़ा चलिए, फिटस में थोड़ा सा, चाइल्ड बर्थ के बाद थोड़ी सी सिरखार, प्यूबर्टी मतलब प्रारंभिक परिपक्वता और बाद की परिपक्वता में ये अंतर है। और यहां पर प्रभाव किसके, ये ऊपर में आप लिख लिए हैं, नोट कर लिए, चलिए आपने नोट कर लिया तो इसको मिटाते हैं। और ये ऐसा होता कब है, ये होता कब है, ये एस्ट्रोजन के कारण होता है। किसके कारण है, एस्ट्रोजन नामक हॉर्मोन्स प्रारंभ में, प्रारंभिक एस्ट्रोजन। और ये क्या हो गया, प्रेगनेंसी के दौरान, और प्रेगनेंसी के दौरान ये, प्रेगनेंसी के दौरान ये कौन कौन है, ऑक्सीटोसिन प्लस, ऑक्सीटोसिन प्लस प्रोजेस्टेरोन। यहां पर कौन है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये हॉर्मोन्स हैं, प्लस प्रोलैक्टिन, प्लस प्रोलैक्टिन। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो एस्ट्रोजन जब प्रारंभिक स्टेज में आते हैं, डेवलपिंग स्टेज में आते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन में प्रवेश करते हैं, तो इस तरह से ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है। प्रेगनेंसी के दौरान ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टेरोन की प्रभाव होती है यहां पर, और प्लस एस्ट्रोजन भी होता है, प्लस एस्ट्रोजन भी होते हैं। मदर मिल्क, सकिंग मिल्क जो होते हैं वो सकिंग के दौरान जो होते हैं, वो सकिंग के दौरान ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन की कहानी होती है। इस तरह से ये कहानी चलती रहती है मदर मिल्क के और ब्रेस्ट की डेवलपमेंट की, माने डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो इसको आप नोट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और आज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश, माना ऑर्गेन वगैरह सारा कंप्लीट। हमें उम्मीद है कि हमने अपनी ओर से
जितनी डिटेल्स होती है उतनी जानकारी देने की कोशिश की, जहां तक हमें उम्मीद है यूट्यूब की दुनिया में शायद इससे अधिक डिटेल्स आपको कहीं पढ़ने को मिल जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब अगला लेक्चर जो होने वाला है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मासिक चक्र रजोधर्म कहते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर कुछ हॉर्मोन्स का भी नाम लिखे हैं इत्यादि वगैरह वगैरह। तो आपको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देंगे, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी जानकारी आपसे बचे हुए ना रहे। शायद ऑफलाइन क्लास होती तो मैं इतने डिटेल्स में नहीं पढ़ा पाता, ये ऑनलाइन है जो मैंने आपको इतने डिटेल्स में पढ़ाया। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।